रतलाम शहर में संचालित होने वाले सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की नामली स्थित शाखा पर आखिरकार प्रकरण दर्ज हो गया है और यह पहला मामला है जब सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पर कोई प्रकरण दर्ज हुआ है। इसके पहले कई घटनाक्रम घटे, आरोप प्रत्यारोप लगे और इतिहास की गर्त में दब गए। मामला नामली थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। अगस्त 2022 में नामली के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों के वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला सामने आया था। इसके पश्चात हंगामा मच गया था और छात्रों और उनके अभिभावकों की शिकायत के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन और प्रदेश बाल आयोग की टीम के द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान छात्रों के वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए पाए गए थे। इस दौरान स्कूल प्रबंधक के द्वारा दलील दी गई थी कि छात्रों के द्वारा स्कूल नियमों के विपरीत हरकतें की जाती है और शरारतें की जाती है तथा वॉशरूम की दीवारों पर अवांछित कमेंट लिखे जाते हैं। इसके तहत यह कैमरे लगाए गए थे। बाल संरक्षण आयोग की टीम के द्वारा आकर आनन फानन में निरीक्षण करने के पश्चात स्कूल को क्लीन चीट दे दी गई थी और इसके बाद यह क्लीन चीट उस समय काम नहीं आई जब राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए FIR दर्ज करने और जांच के आदेश दिए थे। और अब लगभग 6 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की नामली शाखा के प्रबंधकों पर नामली थाना अंतर्गत 66E और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना नामली क्षेत्र का प्रकरण है। थाना नामली क्षेत्र में एक शिकायत थी कि एक स्कूल है सेंट जोसेफ, जिसने अपने बच्चों के जो वॉशरूम था उसमें कैमरे लगा रखे हैं, जिस बात को लेकर कई दिनों से उसमें जांच चल रही थी। उस दौरान ये तथ्य सामने आया था कि उसमें कैमरे लगाए गए हैं और उनके फिर चाइल्ड हेल्पलाइन और सभी के स्टेटमेंट के आधार पर एक FIR की है 66E और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में। उसमें अभी मैनेजमेंट के खिलाफ किया गया, उसके बाद जो भी उसमें लगाना या जिनकी भी भूमिका आएगी या जो इस अपराध में होंगे उनके खिलाफ पदानी कार्रवाई करेगी। सर आपका जो मानना है कि विलंब का कारण क्या रहा, तो उसमें कई सारे तथ्य होते हैं जिनको समाहित करके फिर करना होता है और जैसा आपको मैंने बताया कि चूँकि बच्चों से संबंधित है तो उसमें सारे तथ्य कलेक्ट करने के बाद में और इसमें माननीय आयोग की भी जाँच हमारे पास में थी, तो उन सब सारी चीज़ों को समाहित करने के बाद में फिर हमने कार्रवाई।